होता है और चावल में 0.2% फाइबर होता है। गेहूं और चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से जैसे ही आप गेहूं खाते हो, आधे घंटे से दो घंटे के अंदर सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। तो बॉडी को उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के चक्कर में इंसुलिन भी छोड़ना पड़ता है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से डायबिटीज हो रही है। हम खिलाते हैं मिलेट्स, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, जैसे कंगनी, हरी कंगनी, कोदरा, स्वांक, इस तरह से। मिलेट, कोई भी मिलेट उठा लो, वो 8% से 12% फाइबर के आइटम है, यानी कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो वो मिलेट्स क्या करते हैं, इंटेलिजेंट अनाज है, वो ब्रीडेड नहीं हुए अभी तक, उनके ऊपर ये वो नहीं हुआ, उनका अभी उनकी क्या बोलते हैं जीएम नहीं हुए, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हुए, तो वो नेचुरली बॉडी में 8 घंटे में ग्लूकोज देते हैं।